जय मसीह की। परमेश्वर आपसे और मुझसे ये बात चाहते हैं कि हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर दें, हम अपने आप को परमेश्वर को सौंप दें। जब हम अपने आप को परमेश्वर को सौंप देते हैं, परमेश्वर के चरणों में आ जाते हैं, तो परमेश्वर अपने काम को करते हैं। जब हम अपने आप को सौंप देते हैं परमेश्वर के हाथों में, तो परमेश्वर हमारे मन में काम करते हैं, हमारे जीवन में काम करते हैं। आइए हम इस वचन को देखेंगे, परमेश्वर के इस वचन को। हम निर्गमन उसके 17वें अध्याय और उसके हम देखेंगे 11वें पद में लिखा हुआ है कि जब जब मूसा अपने आप को अपने हाथों को उठाए रहा तब तब अमालेकी हारते रहे, और जब जब मूसा का हाथ नीचे हुआ तो अमालेकी जीतते रहे। मूसा का हाथ उठाए रहने का यहाँ पर तात्पर्य यह है कि जब परमेश्वर के सन्मुख मूसा ने अपने हाथों को उठाया, तो उसने इस बात को विश्वास किया कि परमेश्वर, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, परमेश्वर तू ही है जो सब कुछ कर सकता है। उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दिया, उसने अपने इन कामों को परमेश्वर के हाथों में दिया। उसको पता था कि अमालेकी से वो नहीं जीत सकते हैं, परमेश्वर ही जिता सकता है। जब जब मूसा अपने हाथ को उठाए रखता था, तब तब अमालेकी हारते थे। आज परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे कहना चाहता है कि हमें भी अपनी प्रार्थना को उठाए रखना है, हमें भी अपने जीवन को परमेश्वर के सामने समर्पित करना है, ऐसा जीवन जीना है जैसा परमेश्वर हमसे चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपना समर्पण परमेश्वर के आगे करें, पूर्ण समर्पण परमेश्वर के आगे करें। हम उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, हम मान ले कि प्रभु तू ही जीवित परमेश्वर और हम कुछ भी नहीं है। हम अपने पापों से पश्चाताप करें। परमेश्वर की वो लाठी, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि क्या तुम एक घड़ी भी मेरे लिए जाग नहीं सके। प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहते हैं कि हम अपना समय प्रभु यीशु मसीह को दें। जब हमें उसकी जरूरत होती है तो हम उसको पुकारते हैं और वो हमारे लिए अवेलेबल होते हैं। जब भी हमें निराशा होती है तो हम प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं। जब हमें तकलीफ होती है तो हम उसके नाम को ढूंढते हैं। यहोशापात ने देखा जब कई देश के लोग उसके पीछे आ गए हैं, उसको डराने के लिए, धमकाने के लिए, उसके साथ युद्ध करने के लिए, तो वो डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहते हैं कि जब हम उसको खोजते हैं तो वो हमें मिलता है। तो जब यीशु मसीह हमसे चाहते हैं कि हम उसके नज़दीक आएं, तो हम क्यों सोते रहते हैं, हम क्यों आलसी हो जाते हैं, हम क्यों अपने ही दुनिया में खो जाते हैं, हम क्यों प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, हम क्यों नहीं उसका भय मानते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। जब हम उसका भय मानते हैं तो हम उसकी खोज में लग जाते हैं, जब हम उसका भय मानते हैं तो हम उसके नज़दीक आ जाते हैं, जब हम उसका भय मानते हैं तो हम उसके वचनों का पालन करते हैं, जब हम उसका भय मानते हैं तो हम उसके साथ साथ चलते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ अपना समय बिताएं, प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आएं। जब हम उसे खोजेंगे और खोजेंगे तो वो हमारे और नजदीक आएंगे। ये आज परमेश्वर के वचन हमें बताना चाहता है कि जो वायदे परमेश्वर हमसे करते हैं, जो प्रोमिसेस परमेश्वर हमसे करते हैं, उन बातों पर हम भरोसा रखें, उन वचनों पर भरोसा रखें हम, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा और धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से हमें संभाले रहता है। अगर हम किसी परेशानी, दुख, मुसीबत में या तकलीफ में हो तो वो हमारी रक्षा करता है, वो हमारी हिफाजत करता है। अगर हमारे मन में किसी भी प्रकार की दुविधा चल रही हो तो परमेश्वर कहता है कि इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। और अगर परमेश्वर आपको इस वचन से आपसे आज बात कर रहे हो तो इस बात पर, इस वचन पर भरोसा रखें और परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, वो झूठा परमेश्वर नहीं है। जो बातें, जो वायदे परमेश्वर हमसे करता है, उन पर भरोसा रखें, उन पर विश्वास करें, क्योंकि जिन वचनों को लेकर के हम विश्वास करते हैं, उनको क्लेम करते हैं और परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वो वचन हमारे जीवन में पूरा होते हैं और लागू होते हैं, और हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में रिसीव करते हैं, यानी कि उनके वायदों को रिसीव करते हैं, और वैसे ही हमारे जीवन में होने लग जाता है। परमेश्वर विश्वास करें, जैसे कि उस 12 वर्ष की स्त्री को जिसको लहू बह रहा था और उसने इस बात का विश्वास किया कि वो यीशु के वस्त्र को ही छू लेगी तो चंगी हो जाएगी, वो चंगी हो गई। उसी तरह से हमें भी भरोसा रखना है और उस पर विश्वास रखना है। परमेश्वर के इस वचन से आप सबको आशीष मिले। जय मसीह की।